भाइयों और बहनों, तीन चार दिन पहले भारत को आतंकवाद से लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। भाइयों बहनों, ये सुनकर के आपको गर्व हुआ? आपको गर्व हुआ? आपको गर्व हुआ? आपको खुशी हुई? आपका माथा ऊंचा हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ? देश की इज्जत बढ़ती है तो आपको गर्व होता है। लेकिन आपको इतनी खुशी होती है, इतना गर्व होता है, पूरे हिंदुस्तान को हो रहा है, लेकिन आपने भारत की इतनी बड़ी सिद्धि को लेकर के एक बार भी दीदी को देश की तारीफ करते सुना क्या? सुना क्या? शायद डरती होगी कि मसूद अजहर उस पर कुछ बोल दिया तो शायद उनकी वोट बैंक पे खतरा आ जाएगा, उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। भाइयों और बहनों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने दीदी की जमीन को खिसका दिया है। अब दीदी का राजनीतिक धरातल पर रुकना टिकना मुश्किल हो गया है। दीदी इतनी बौखला गई है, कब उन्हें भगवान की बात करना भी खटक रहा है। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को ये देश को पता चलना चाहिए, और अगर मीडिया अपने आप को न्यूट्रल कहने का दावा करता है तो देश को ये खबरें पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। साथियों, दीदी के इसी रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल में लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने में पूरी आजादी के साथ अपने व्रत, अपने पर्व, अपने त्योहार मना पाने में डगर डगर पर दिक्कत हो रही है।